साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है। साथियों आज जिस विषय पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही एक इसमें क्या कह सकते हैं एक गंभीर मुद्दा भी है। साथियों कुछ दिनों पहले मेरे एक रिश्तेदार से कुछ 3-4 लाख रुपए की जो है ठगी हो गई थी, ये इसी संदर्भ में कि पेट्रोल पंप लेने के संदर्भ में। साथियों पेट्रोल पंप होना एक तरह का एक मतलब शान वाली बात है, तो लोग बहुत जल्दी जो है इनके ठगों के या जालसाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पेट्रोल पंप खरीदने या लेने के चक्कर में या डीलरशिप लेने के चक्कर में, और उनका अच्छा खासा रुपया जो है मारा जाता है। साथियों तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए कि कैसे आप एक पेट्रोल पंप मालिक बन सकते हैं। साथियों जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा यहाँ बरेली में एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो मैं आपको बता दूँ साथियों कि अगर आप पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो कंपनी है वो डीलरशिप के लिए आवेदन निकालती है, पर्टिकुलर जगह पे निकालेगी। जैसे कि बरेली जिला है तो इसमें जब 20-25 पेट्रोल पंप के लिए आवेदन निकलेंगे पर्टिकुलर जगह के लिए, तो मित्रों उसके लिए आपको आवेदन भरना पड़ेगा। आवेदन के लिए आपको जगह दिखानी पड़ेगी और अपना जो हैसियत दिखानी पड़ेगी। तो मित्रों आप कहेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह में हमारी जगह नहीं है, तो इसके लिए आपको कर सकते हैं कि आप उस जगह का एग्रीमेंट करवा लें, जब वहाँ के रोड के किनारे की जो आप सूटेबल जगह समझें जहाँ पे वो जगह आवेदन निकला है उसको करवा के आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं 1-2 साल का, और कंपनी को दिखा सकते हैं कि इस पे हम खोलेंगे और इसका हम किराए इनको मालिक को देते रहेंगे पेट्रोल पंप का, और हमसे ये राजी हो गए हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मित्रों दूसरी इसकी स्ट्रेटेजी होती है लॉटरी सिस्टम के तहत ये पेट्रोल पंप निकलते हैं। तो लॉटरी सिस्टम में ये होता है कि 100 या जितनी पर्ची आवेदन आते हैं सबको एक बॉक्स में डाला और लॉटरी निकाल दी जाती है। तो मित्रों मैथ का एक नियम है प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी लॉटरी ज़्यादा है तो इसमें चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो है निकल सकता है, दूसरों के मुकाबले आपका जो है पेट्रोल पंप निकल सकता है। तो मित्रों इसके लिए आपको करना ये है कि आप एक ही जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट करा के आप 5-6 जगह से एग्रीमेंट करा के आवेदन कर सकते हैं। जैसे 25 पेट्रोल पंप निकले हैं तो आप कईयों पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही मित्रों शराब की दुकानों पे भी आपने सुना होगा कि इसी तरह कई लॉटरी डाली जाती हैं और कुछ मारी जाती हैं, तो लेकिन जब एक दुकान निकल आती है तो उसका जो है पैसा वसूल हो जाता है। तो इसमें भी इसी तरीके से होता है कि प्रोबेबिलिटी का नियम होता है, और जो लोग इच्छुक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं वो 8-10 इस तरह की जो है वो डालते हैं अपने रिश्तेदार के नाम, अपनी बेटी के नाम, अपनी बेटी बीबी के नाम से, या कई बार अपने नौकर के नाम से, कई बार ऐसी सीट है तो अपने नौकर के नाम से, ऐसा देखा गया मित्रों। तो मित्रों इस तरह से लोग आवेदन करते हैं, प्रोबेबिलिटी का नियम होता है, और इसमें अगर आपकी वो पर्ची जो फंस जाती है तो आपका पेट्रोल पंप निकल आएगा। और टाइम टू टाइम ये SP इंडियन ऑयल वगैरह ये सब पंप निकालते रहते हैं, और अब तो ये हो गया कि CNG की बढ़ती मांग को लेके हर साल में CNG के पेट्रोल पंप आ रहे हैं। कुछ दिनों में आप और भी चीज़ें देखेंगे। तो मित्रों दूसरा तरीका जो है कि एक पेट्रोल पंप मालिक जो तो एक वर्ड वैसा है बाजारी लैंग्वेज में, लेकिन जो असली वर्ड होता है डीलरशिप। मित्रों कई बार पेट्रोल पंप के जो डीलर होते हैं वो इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से मंदी आ जाती है या उनका हालात खराब हो जाते हैं कि उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, या फिर उन्हें ये होता है कि अपना पेट्रोल पंप दूसरे को दे दें उससे एक अमाउंट ले लें, अपनी ये जो डीलरशिप है किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। तो मित्रों उसके लिए ये होता है कि वो आदमी कंपनी को कहेगा आई एम नॉट एबल टू रन दैट पंप, मैं इसको चलाने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं अपना एक पार्टनर अपॉइंट करना चाहता हूँ। वो आपको 49% की या 49% की पार्टनरशिप दे देगा, और कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आप बाकी बची 51 पार्टनरशिप भी उससे ले सकते हैं। और ऐसा मित्रों कई बार जो होता है इसे पंप का बेचना, एक लीगल टर्म में पंप का बेचना तो बेचा नहीं जाता है, उसमें आपको पार्टनरशिप मिल जाती है, और कुछ टाइम के बाद आप पूरी पार्टनरशिप उसका पूरा शेयर ले सकते हैं 100%, और कंपनी आपको ऑथोराइज कर देगी, आपको उसका जो है डीलर नियुक्त कर देगी। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, और ये जो कंपनी का जो डिविजनल अधिकारी होता है मंडल का अधिकारी वो इसको करता है। मित्रों तो ये दो तरीके हैं जिससे आप जो है पेट्रोल पंप के जो है डीलरशिप ले सकते हैं। और मित्रों आप पूछेंगे कि ये पेट्रोल पंप की कीमत क्या होती है, तो मित्रों ये जगह जगह पे है, और जब भी आप पंप देखें तो देखेंगे उसकी सेल कितनी है। पेट्रोल के अलावा शहर में पेट्रोल ज़्यादा बिकता है, रूरल एरिया में डीजल ज़्यादा बिकता है, और ये देखेंगे रोड पे, हाईवे पे, या हाईवे यहाँ से निकलने वाला है
तो ये सब चीज़ें जैसे उसकी कीमत तय होती है कुछ। यहाँ जो पंप की जो डीलरशिप में पार्टनरशिप में कुछ बिके हैं तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, देहात एरिया में जो है 40 लाख 50 लाख इस तरह से जो है हुआ है, अराउंड 1 करोड़ तक इसका वो चला जाता है जो यहाँ पे मुझे सुनने को मिला है। तो मैं तो स्ट्रेस है इसका वो होता है। और आवेदन में जो कंपनी निर्धारित करती है वो फीस जाती है, तो आप अगर अपडेट रहेंगे इनकी वेबसाइटों पे देखेंगे जब आवेदन निकलने वाले होंगे आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन ऑयल के बहुत सारे आवेदन निकले थे, तो मैं तो इस तरह से आप जो है एक पेट्रोल पंप के डीलरशिप ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पसंद करें, और आने वाले उसमें मैं बताऊंगा आपको कि पेट्रोल पंप पे धांधली कैसे होती है, तो उसके लिए भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करूंगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।